ये इसके पैनल गैप का क्या करना है आगे का? कौन सा? ये वाले। क्या दिक्कत है? बाहर नहीं आ रहे? नहीं तो। अरे बाहर ही है भाई साहब। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वो दिन आ गया जब ओला S1 ARM और ये डिलीवर। आज के दिन हमारी 18 सितंबर यहाँ पर डेट निकल के आई थी और 18 सितंबर को हमारी ओला S1 एयर जो है वो यहाँ पर डिलीवर हो रही है। लिक्विड सिल्वर कलर की है। तो इस वीडियो में रहने वाला है कि क्या हमारा डिलीवरी एक्सपीरियंस रहता है और क्या। ये हमारे भैया आ गई गाड़ी। कितने दिन वेट करा? देखो, डेढ़ महीना करा हमने यहाँ से। यहाँ डेढ़ महीने वेट करा है। प्री बुकिंग वाले हैं, 10,000 का फ़ायदा भी तो लिया है। तो आप देख सकते हैं दो लिक्विड सिल्वर कलर यहाँ पर डिलीवर हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमारी वाली गाड़ी यहाँ पर डिलीवर होने जा रही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यार क्या पैनल गैप्स देखने को मिले हैं कि नहीं मिले। और यार देखो, लिटरली मैं बात बताऊँ आपको, तो पैनल गैप्स हमें लिटरली में यहाँ पर देखने को मिले। तो इसका क्या सोल्यूशन निकल के आया आगे हमने जब भैया से बात करी, तो वो भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लिक्विड सिल्वर कलर की हमारे यहाँ पर सिटी में फर्स्ट गाड़ी होने वाली है। तो हमारी सिटी में अभी तक लिक्विड सिल्वर कलर डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट गाड़ी होने वाली है हमारी सिटी में। तो इसका वीडियो हम पूरा चैनल पे डालने वाले हैं और रिव्यूज़ भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमें ओला S1 एयर की क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि ये होम डिलीवरी की वीडियो होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम डिलीवरी की वाली वीडियो, और होम डिलीवरी वाली वीडियो अभी तक यूट्यूब पे इतनी नहीं डली है जैसे सभी लोगों ने जाके शोरूम पे डिलीवरी ली है। तो होम डिलीवरी की इतनी वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ओला S1 एयर की होम डिलीवरी वाली वीडियो की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओला S1 एयर जो है ये हमारी बिल्कुल जैसी ओला S1 प्रो आती है वैसी ही पैकेजिंग में आई है। और यहाँ पर मैं अनरैप करने लग गया हूँ इसको, तो अनरैप करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमें यहाँ पर स्क्रैचेस भी चेक करने हैं और पैनल गैप्स भी चेक करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रैचेस और पैनल गैप हमें देखने को, देखो पैनल गैप हमें देखने को मिला है, स्क्रैचेस हमें देखने को नहीं मिले। तो स्क्रैचेस नहीं मिले बिल्कुल अच्छी बात हो जाती है। पूरी गाड़ी हमने चेक करी थी यहाँ पर, और ओला S1 जो एयर है यहाँ पर हमारी ओला S1 प्रो से भी ज़्यादा अच्छा मुझे कलर लगा है। क्योंकि यार देखो, ये कलर है ना लिक्विड सिल्वर कलर, ये बहुत शानदार कलर निकल के आया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पैनल गैप्स इसके चेक करूँगा। सबसे पहले तो आप देखना है यहाँ पर कि पैनल गैप्स हमें किस किस जगह देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी भी ओला डिलीवर होने वाली तो पैनल गैप आपके इस जगह आ सकते हैं। और ये भैया बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट कह सकते हैं आपको, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा ही आया, मतलब सभी गाड़ियों में वाली चीज़ आने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको पैनल गैप्स देखने को मिल जाएगा, और ये दोनों तरफ दे रखा, मतलब एक तरफ नहीं दोनों तरफ दे रखा है। तो ये वाले आपको छोटे मोटे गैप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के फुल्के पैनल गैप्स हमें देखने को मिले। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो गाड़ी है इसमें हमें इतने भी पैनल गैप्स देखने को नहीं मिले जितने मिलते हैं, मतलब ओला S1 जो एयर है उसमें दूसरे कलर में मिले। और यहाँ पर इसका जो चार्जिंग फ्लिप अच्छे से काम कर रहा था, तो चार्जिंग फ्लिप में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल अच्छे तरह से वर्क कर रहा था यहाँ पर, और हमने इसको अच्छे से टेस्ट भी कर लिया। तो आपकी भी गाड़ी जब डिलीवर होना, तो कागज जो आपको डॉक्यूमेंटेशन रहता है उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे साइन मत करना, उन कागजों पर साइन मत करना जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। हमारे केस में भी यही था कि हम सेटिस्फाइड होने के बाद ही हमने साइन करा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी थोड़ी आवाज आ रही थी, चर 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 वाली आवाजें यहाँ से भी हमें आ रही थी। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि यार फर्स्ट सर्विस के बाद ही आवाजें तो सही हो सकती है। अभी देखा जाए तो यार चर चर वाली आवाज जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है हमें। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हल्के फुल्के पैनल गैप्स दिखे हैं, तो यार ये फर्स्ट सर्विस के बाद ही सही होंगे, भैया ने बोला है। तो भैया ने ऐसा ही बताया हमें कि यार फर्स्ट सर्विस के बाद ये वाली चीजें सही हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या सही होती है नहीं होती। डुअल शॉक सस्पेंशन के साथ आई है गाड़ी, और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, और भी मैं डिटेल्स देने वाला हूँ। हेलमेट वगैरह चार्जर वगैरह तो इसमें देखने को मिला है, बट यार और भी एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल आपके लिए, अगर आप ओला S1 ले चुके हो या लेने का सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है वाला वीडियो। भैया इसके पैनल गैप्स का क्या करना है आगे का? कौन सा? ये वाले। क्या दिक्कत है? बाहर नहीं आ रहे? नहीं तो। अरे बाहर ही भाई साहब। बैटरी चार्ज रही है 80%। लगने का पूरे लॉक फिटेड है। मतलब आगे से हो ये बस, बाकी इतना ज़्यादा पैनल गैप नहीं आया मुझे। निकाल दो तो पता है कितने किलोमीटर रनिंग है, चली नहीं, 1 किलोमीटर चली है ऑल टाइम। करो इसकी डिक्की खोलते हैं आप। कलर बढ़िया, कलर मस्त है।
कलर शानदार ही लग रही है मेरे को। इस पे केप लगवाएंगे अपन यार। खुल जाए कोई भी। डिक्की में हमें दो हेलमेट और चार्जर देखने को मिल जाते हैं। तो दो हेलमेट मिले, चार्जर मिला है। चार्जर का डिजाइन थोड़ा अलग है, हमारी जो गाड़ी है उसमें चार्जर का डिजाइन अलग है, इसमें थोड़ा चार्जर का डिजाइन अलग हमें देखने को यहाँ पर मिला है। ये नहीं है, यहाँ भी आ रहा था। तो सब में ही है वो सर्विसिंग पे ले जाएंगे तो कसना पड़ेगा उनको, एक बार करेंगे वो। स्क्रेच वगैरह देख लो यार, पर स्क्रेच नहीं होना चाहिए। स्क्रेच तो नहीं है, दिख रहा है? स्क्रेच तो नहीं दिख रही है, वही देखना है बस अपने को। थोड़ा बॉडी लूज लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो एक सर्विस तो करवानी पड़ेगी उसकी, एक सर्विस में दमदार होगी वो। एक सर्विस तो करवानी पड़ेगी पैनल वैनल के लिए। बिल 31 का ही बना है, बिल 31 का ही आया है। सो गाइस, हम तो फीचर्स के बारे में बताएंगे इसे ही आपको, पर भैया यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप भैया की बात सुन लो कि यार क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स के बारे में और सारी हमारे फीचर्स के बारे में। वाईफाई, ब्राइटनेस बढ़ाओ यार एक बार, ब्राइटनेस तो फुल कर दो अभी। ब्राइटनेस फुल है। साउंड सिस्टम बता दिया हमने आपको, लाइट, सेफ्टी लाइट में सर चारों इंडिकेटर एक साथ में जलते हैं। अपने वो कहीं भी खड़े हैं अंधेरे में, अंधेरे में खड़े हैं, चारों इंडिकेटर चालू कर दिए, सब सामने वालों को पता चल जाएगा, सब देख सकते हैं। चालू किए, चारों इंडिकेटर जलते हैं। अच्छा, ऑफ कर देता हूँ। ये है रेडिंग मोड। इसमें सर एक्सीलेटर को आगे की साइड, जैसे यहाँ से घाट के उतर रहे हैं हम और एक्सीलेटर को आगे की साइड कर रहे हैं, तो इसमें बैटरी चार्जिंग मोड पर आ जाती है, मतलब एक तरीके से चार्ज होने लग जाती है कुछ टाइम के लिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जी। वैकेशन मोड, आपको कहीं पे जाना है एक दो महीने के लिए कहीं भी, वैसे 200 दिन का रहता है सर इसका। कहीं पे आपको जाना है, आप इसको ऑन करके चले जाओगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी। इसके बाद आप ऑन करोगे, जब ही ऑन होगी, इसमें बैटरी सेविंग होती है सर, मतलब बैटरी की बचत होगी आपके हिसाब से। जैसे आपको कहीं भी जाना है 81% नहीं, जैसे 8 दिन आपको कहीं बाहर जाना है, 100% चार्ज करके गए तो वो 100 से 99 मिलेगी आपको, वो 70-80 नहीं मिलेगी, वो रखी रखी नहीं गिरेगी वो। जी सर बिल्कुल। पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। पासवर्ड अभी आपका 00 आप यहाँ से डालोगे, उसके बाद करंट पासवर्ड डालने के बाद चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। डॉक्यूमेंटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन दिखाई रहा है, अच्छा अपलोड करके दिया है इसमें, अच्छा आ ही जाता हो। आरसी कार्ड इसका, अबाउट में 1 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी अभी, MS3 पर डली है। सो भाई, जब आपकी गाड़ी डिलीवर हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना कि पैनल गैप्स और स्क्रैचेस ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में यहाँ पर पैनल गैप्स और स्क्रैचेस इतने देखने को नहीं मिले। स्क्रैचेस तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल 0 स्क्रैचेस हमें यहाँ देखने को मिले। बाकी पैनल गैप्स आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो यार हमें इतने भी पैनल गैप्स देखने को नहीं मिले, बट फर्स्ट सर्विस के बाद ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सर्विस का हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक, तो अगर आप अभी तक ये वाली वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ओला S1 एयर की सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जैसे ओला S1 प्रो की हमने सारी वीडियो बना रखी है सारे फीचर्स के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसका रिव्यू का वीडियो जल्दी आने वाला है चैनल पे, तो रिव्यू का वीडियो आएगा, रेंज टेस्ट का वीडियो आएगा, सारे वीडियो हम डालने वाले हैं यार। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओला S1 एयर के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो। और आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर ओला S1 प्रो में यही सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। फीचर्स के बारे में तो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, वैसे भी हमने ओला S1 प्रो में फीचर्स का वीडियो बना रखा, तो वही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर स्पीकर डमी है, एक स्पीकर दे रखा है, बस एक स्पीकर डमी दे रखा है, और DRL वर्किंग नहीं है। DRL वर्किंग नहीं है, मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, बहुत ही पहले से बोल रहा हूँ, तो यार वर्किंग नहीं निकली यहाँ पर DRL। फीचर्स की बात करें तो रिवर्स मोड वरिया अच्छे से काम कर रहा था, और लेग वेग की बात करें तो ये भी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या डाउट निकल के आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों।